तो यहाँ पे राजा जी के बाल ड्राई हो रहे हैं। लिप ग्लॉस बॉबी ब्राउन का फाउंडेशन। आपको बेबीज देखने कोई नहीं ले जाता सोसाइटी। पंखा पसंद है, बूढ़े हो गए। तो गोलू की प्रेगनेंसी के हो गए हैं पूरे 34 वीक्स। फाइल सबसे पहले हम लोग आए हैं। ये ब्राउनी के भाई बहन है। और निपुर मैम को रिपोर्ट दिखा देती हूँ। इस पौधे में कितना फेवरेट है आपका मिल्के? मेरे घर में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? भूख करती हूँ। आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और चीकू हो चुका है रेडी। चीकू जा रहा है आज स्कूल, क्योंकि उसको स्कूल में आज फंक्शन है, साथ में उसका रिपोर्ट कार्ड डे है। तो हम लोग जल्दी उठ गए हैं, उसका लंच वगैरह रेडी हो गया। लंच दिखा देती हूँ। सबसे पहले मिलवाती हूँ आपको चीकू से। तो ये है हमारे चीकू सर, जिन्होंने आज पहना है अपना नया जोड़ा जो कि हम लेके आए थे इसके लिए। शर्ट, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट। अभी बस हेयर ड्राई करके इसका फटाफट से। नहीं नहीं, कोई नहीं चिल्ला रहा, कोई नहीं चिल्ला रहा। आप उठो फटाफट, मैं आपका थोड़ा सा टचअप कर देती हूँ और हेयर स्टाइल बना देते हैं। तो ये है चीकू का लंच, आलू बैंगन की सब्जी, परांठे, ये इसका लोटो पाई, ये थोड़ी सी चॉकलेट और ये इसकी पानी की बॉटल। उन्होंने बोला वो लोटो पाई नहीं खाता, उसकी जगह कुछ और दे दो, तो मैं उसे आलू भुजिया दे देती हूँ। तो यहाँ पे राजा जी के बाल ड्राई हो रहे हैं और राजा जी आराम से बैठे हैं। आज राजा जी थोड़े से सच में राजा जी लग रहे हैं, व्हाइट कलर के कपड़े में। तो यहाँ पर ना चीकू का चल रहा है मेकअप। हाँ बेटा, मैंने उतारा था, मैंने कहाँ उतारा था देख कर आती हूँ। तो यहाँ पे चीकू का ना बैंड ढूंढ रही हूँ, मैंने पता नहीं कहाँ उतारा है, मैं जब तक देख के आती हूँ। तो ये रहा चीकू का बैंड जो मैंने रात को उतारा था ना, रात को कह रही हूँ, अभी उतारा था। तो गाइस आज ना क्या हुआ, चीकू के पापा ना 5:30 बजे आए दिल्ली से। जैसे ही वो आए ना तो मेरी आँख खुल गई, मतलब उन्होंने एंट्री करी होगी, मेरी आँख खुल गई। उसके बाद मुझे नींद आई है 7:30, मतलब 2 घंटे मुझे नींद ही नहीं आई, क्योंकि एक बार नींद खुल जाती है ना, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है नींद खुलती नींद आ जाती है, कभी कभी टाइम लगता है। तो आज 2 घंटे लगे नींद आने में, फिर 8:30 का तो अलार्म था, फिर मैं उठ गई 8:30। बेटा आज तो मेकअप का दिन है, दिखाओ शक्ल, दिखाओ भाई। आज सही है ना इसके कपड़े, हीरो लग रहा है पूरा। ऊपर करो बेटा, इसको छोड़ दो। तो गाइस मैंने बिल्कुल लाइट मेकअप किया है और बॉबी ब्राउन का इसको लगाया है, लिप ग्लॉस बॉबी ब्राउन का फाउंडेशन और प्यारा सा ब्लशर फॉरएवर न्यू का। और यहाँ पे गोलू बना रही है सॉक्स। चीकू बाय बाय बेटा, बहुत कुटू पाई लग रही है, नजर ना लगे मेरे बच्चे को, आके नजर उतारूंगी। काला टीका ढूंढना पड़ेगा अभी। हाँ बच्चे, मैं भी आऊंगी, मैं आपके स्कूल आके फिर जाऊंगी अल्ट्रासाउंड पे, ठीक है? फिर अल्ट्रासाउंड, अभी मैं सोऊंगी नहीं ना, अभी नहा लूंगी धोलूंगी रेडी हो जाऊंगी। आपको बेबीज देखने, ठीक है? फिर मैं आपको वहाँ से लेके फिर अल्ट्रासाउंड पे जाऊंगी। गोलू ना हमारी आईब्रो वैक्स लेके आई है, चीकू को टीका लगा, लग गया बेटा, चलो बाय, लव यू, चलो लेट। तो मेकअप हो गया भाई साहब का सब, मैंने अच्छे वाले ब्रांड्स यूज किए हैं क्योंकि बच्चे की स्किन सेंसिटिव होती है। तो ये सारा मेकअप अभी अंदर रख देती हूँ क्योंकि हमें भी अभी रेडी होना है। कितने बजे जाना है? वैसे तो चीकू को जो टाइम लिखा है वो लिखा 10:45, 11 बजे तक पहुंचेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 बजे तक तो मेरी वहाँ पे भी अपॉइंटमेंट है, मैं उसको बोल देती हूँ 12 बजे के बाद आऊंगी। दुकान वाला ना दूध रोज बाहर छोड़ जाता है क्योंकि वो बेल नहीं बजाता, हमने उसे मना किया हुआ है, बेल मत बजाया कर, तो दूध कोई नहीं ले जाता सोसाइटी। तो मुझे ना इतनी ज्यादा गर्मी लगने लग गई है गाइस कि ना रात को मैं एसी चला के सोती हूँ, तो मेरे साथ ना तो चीकू पापा सो पाते हैं ना गोलू सो पाती है। मैं सोती हूँ, मैं रात तक तो सोती हूँ, पर जब सुबह मुझे ज्यादा ठंड लग रही होती है ना, मैं एसी बंद करती हूँ, पाल को पता चल जाता है रात को पाल सो रही होती है। तो मैंने कल रात को गाइस क्या किया, मैंने एसी बंद कर, जैसे एसी बंद किया पाल के, तूने एसी बंद किया? हाँ मैंने अभी 1 सेकंड पहले किया, मैंने 10 मिनट पहले था, पर पता नहीं मुझे गर्मी लग जाती है, जैसे गर्मी लगने लगती है मेरी नींद खुल जाती है ऑटोमेटिक, इतनी ज्यादा गर्मी लगती है मुझे। तो मैं एसी चला के सोती हूँ, इसलिए चीकू के पापा और गोलू अब मुझे लगता है अलग ही रूम में सोएंगे, क्योंकि इनको ना एसी पसंद है ना पंखा पसंद है, बूढ़े हो गए। तो मुझे जाना था नहाने, पर मेरे से पहले चले गए गोलू और फटाफट गोलू नहा के आए, फिर मैं निकलूं क्योंकि अभी बच चुके हैं 10 और 11 बजे तक हमें वहाँ पहुँचना है। तो जब तक मैं नहाऊंगी तब तक यहाँ बन रही है चाय और ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे हम लोग फिर स्कूल के लिए। तो गाइज मेरे शावर हो गया एकदम डन, पता नहीं शावर लेने के बाद ना अचानक से खांसी सी लग गई है, बस अभी पूजा करने के लिए जा रही हूँ, पूजा करती हूँ फिर रेडी होती हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने फटाफट ना मंदिर की क्लीनिंग कर ली है, और गाइज ये ना हमेशा काला काला रहता है ऐसे, तो मैं इसको रोज साफ करती हूँ, बट ये हट नहीं रहा। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे भी ना शीट लगा दूँ ताकि ये ना ब्लैक ब्लैक ना दिखे। तो मेरी पूजा हो गई एकदम डन, बस जाकर अपने बाल सुखाती हूँ। और शांति ने मुझे बताया कि दीदी चाय पता नहीं कैसे फट गई है। चाय मेरे हिसाब से ना कभी कभी फट इसलिए जाती है, शायद अदरक की वजह से फटती है या कभी दूध खराब होता है, पता नहीं, रीजन समझ नहीं आता चाय फटने का। मेरे साथ भी 1-2 बार हो, जब चाय बनाती हूँ ना तो 1-2 बार मेरी भी फट चुकी है चाय। तो यहाँ पर ना दूसरी बार चाय चढ़ाई है और ये चाय सही बनी है, तरीका सब कुछ सेम था ना तब भी है ना, पर कभी कभी ऐसे हो जाता है, मेरे साथ भी 2-3 बार हो चुका है। तो यहाँ पर ना पायल ने ना मेरे लिए और अपने लिए दोनों के लिए सेम कुर्ती निकाल दी, साथ में लेगिंग्स निकाल दी,
है और ये बहुत ही कंफर्टेबल रहेगी क्योंकि क्या है खुली खुली है ना, ये कुछ टाइम पहले आई थी। निकलते हैं गाइस, टाइम तो हो गया चीकू के स्कूल पहुंचने का, पर कोई बात नहीं, नाश्ता करके निकलते हैं क्योंकि मुझे अल्ट्रासाउंड पे भी जाना है। गोलू को गाइस 10 से 10 मिनट लगे हैं ये ढूंढने के लिए कि हमारी ओरियन की पर्ची का है, क्योंकि अभी ओरियन जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, पहले चीकू के स्कूल जाएंगे। तो बस निकल चुके हैं हम लोग चीकू के स्कूल के लिए और चीकू हमारा वेट कर रहा होगा क्योंकि बोल के गया था पहले मैं जाने वाली नहीं थी, पर चीकू ने बोला मम्मा आप भी आना, तो मैंने कहा ठीक है बेटा मैं भी आती हूँ। तो मैंने जो अपॉइंटमेंट है ना वो डिले कर देती हूँ, 2 बजे की कर देती हूँ है ना, और उसके पहले स्कूल जाते हैं फिर उसको लेते हैं। फिर बोला आज अल्ट्रासाउंड पर उसको भी लेके जाना है, तो उसे भी लेके चलना पड़ेगा। तो गोलू की प्रेगनेंसी के हो गए पूरे 34 वीक्स, अब कितने वीक्स बचे हैं? अब 40 वीक्स होते हैं ना, 6 वीक बचे ना, अब 6 तो बचे, 1, 2, 6 वीक बचे। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं चीकू के स्कूल में, बस चीकू का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। चीकू का 2 घंटे हो गए, पहुंचे वैसे में 2 घंटे हो गए हैं। तो नितिन भैया ने मेरे को बोला कि भाभी कोई भी व्लॉग मत लो चीकू के स्कूल का, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप अपने व्लॉग में ले लो। तो सारा का सारा जो चीकू के स्कूल की एक्टिविटीज है उसकी परफॉर्मेंस है ना वो आपको नितिन भैया के व्लॉग में मिलेगी, तो वहाँ पे जाके देखना। बस अभी एक्टिविटी रूम के बाहर खड़े चीकू का वेट कर रहे हैं, उसको लेते हैं तो फिर मिलती हूँ। फाइल सबसे पहले हम लोग आए हैं, सबसे पहले चीकू मिलेगा। तो गाइस अभी बच चुके हैं, वो खुल गया गेट, खुल गया गोल, खुल गया, सबसे पहले हम लोग लेंगे। तो गाइस इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे जून का महीना चल रहा है, क्योंकि हम लोग बाहर निकलते ही नहीं है इस टाइम पे ना, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा। और बस अभी निकल रहे हैं, चीकू के स्कूल का काम जो है वो हो गया, 12:30 हो गए। हमने कहा था कि हम 1:30 तक ना पहुंच जाएंगे डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर जो है अल्ट्रासाउंड वाली वो 2 बजे तक बैठती है, टाइम है आराम से पहुंच जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए घर के बिल्कुल बाहर, और पहले सबसे पहले चीकू को घर छोड़ेंगे चीकू को, क्योंकि उसके पापा को मिलना, उससे सुबह भी पूछ रहे थे मेरे बेटे का है, तो मैंने बोला वो स्कूल गया है। तो फिलहाल रिजल्ट भी दिखाएंगे चीकू का, जो रिजल्ट आया है वो 1 ग्रेड से पास हुआ है चीकू, और बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारा बच्चा पास हो गया है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है इसकी। जो डांस था बहुत अच्छा लगा हमें, जिसने किया था, गाना समझ में नहीं आया क्योंकि इंग्लिश में था। तो फिलहाल खाया तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा दवाई खा ली क्योंकि दवाई खानी जरूरी थी, वरना फिर कल भी हमने शाम को दवाई खाई थी सुबह वाली, दवाई और दवाई थोड़ी शायद खत्म भी है। अगर डॉक्टर बैठी होगी तो अल्ट्रासाउंड के बाद सीधा हम डॉक्टर नूपुर के पास जाएंगे चेकअप कराने के लिए, 16 तारीख को बुलाया था उन्होंने। तो फिलहाल हमने चीकू को भी ले लिया अपने साथ, क्योंकि चीकू ने बोला था मामा मुझे भी लेके जाना, तो उसके कपड़े वपड़े चेंज कराए और हम निकल गए हैं हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल क्या, अल्ट्रासाउंड के वो भी हॉस्पिटल ही होता है, तो बस वहाँ निकल गए हैं, पहुंचने वाले हैं। 1:30 बजे बुलाया था, अभी 4 मिनट बाकी है। तो यहाँ पे हमने पिया अभी अभी नारियल, और नारियल की जो मलाई है ना वो हमने आज निकलवा ली, काफी टाइम बाद मलाई खा रहे हैं, खाके तो जाते हैं। वरना आज मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, पर अल्ट्रासाउंड में ना डॉक्टर ने तो आज कुछ बताया नहीं, दूसरे उन्होंने बोला कि जाके रिपोर्ट दिखा देना डॉक्टर, तो एक ना दिमाग में टेंशन सी हो गई है कि क्या है क्या नहीं। तो अभी आधा घंटे बाद बोला है कि ये रिपोर्ट्स मिलेंगी, बस रिपोर्ट्स लेके फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। ओके बेटा, प्री फॉलो जिपलाइन, ये तो बच्चों का है, बड़ा वाला करो कुछ ऐसा एडवेंचर वाला करोगे, हमें भी लगे हमारा बेटे ने कुछ किया है। फ्री फॉल करोगे, इसके फ्री फॉल तब हुआ था जब पापा साथ में आए थे। ये इधर आ जाओ, क्या हुआ? देखो ब्राउनी। तो गाइज यहाँ पे हमें मिल गया हमारा ब्राउनी, और ये राइट बड़ी रिमझिम कर रही है, तो ये ब्राउनी है, ये ब्राउनी के सारे भैया, ये ब्राउनी के भाई बहन है। तो मैं आई हूँ डब्लू पे अपने इवेंट के लिए ड्रेस लेने, तो मुझे ये 2 इयररिंग्स बहुत पसंद आए, ये दोनों इयररिंग्स मैंने ले लिए। तो गाइज फाइनली हम लोगों की जो कुर्ती है वो हम लोगों ने ले ली है, तो अब हम अवार्ड फंक्शन में पहन रहे हैं कुर्ती, क्योंकि गाउन का जो हमारी सोच थी ना वो चेंज हो गई है, गाउन में फिटिंग जो आ रही है ना वो अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि टमी कुछ ज्यादा ही विजिबल हो रहा है, फिर ना मतलब मैटरनिटी शूट में अच्छा लगता है टमी दिखाना, ऐसे अवार्ड शो में अच्छा नहीं लगता। तो हम लोगों ने ना नारकली टाइप का सूट लिया, जैसे मैंने अभी पहना हुआ है वैसे ही हमने सूट लिया, सूट कौन सा लिया मैं घर जाके दिखाऊंगी, और साथ ही साथ में मैंने इयररिंग्स का बॉक्स भी लिया अपने लिए, और सारे जो हमारे अच्छे वाले इयररिंग्स है डब्ल्यू बीबा के ना मैं इन बॉक्स में लगाऊंगी आज। तो पायल के पास ना मेरी और पायल दोनों की कुर्ती है, मेरे पास चीकू का सामान है, तो बस अभी हमने रिपोर्ट्स मंगवा ली डॉक्टर से, रिपोर्ट्स मंगवाने के बाद पहले जाएंगे नूपुर मैम को रिपोर्ट्स दिखाएंगे फिर घर निकलते हैं। तो गाइस 9 बज चुके हैं नूपुर मैम को मैंने ना फोन करा वहाँ पर हॉस्पिटल में, और बोला है मैंने कि नूपुर मैम को प्लीज रोक कर रखना, हम लोग आ रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आज तो सुबह से इतनी भागम दौड़ी हो गई ना। चीकू आ जाओ, धूप है उस साइड, इधर आओ, चाचू आने वाले, जल्दी आओ। गोलू की जो है पल्स रेट, हार्ट बीट नहीं पल्स रेट, और ज्यादा है
मेरी भी ज्यादा थी लास्ट टाइम, तो चेक कर रहे हैं। उसके बाद थैंक गॉड कि निपुर मैम है, और निपुर मैम को रिपोर्ट दिखा देती हूँ क्योंकि एक डाउट है, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी इसका बीपी चेक हो रहा है, बीपी तो नॉर्मल आएगा। तो यहाँ पे ना पायल का भी ना पल्स चेक हो रहा है, पल्स के साथ साथ बीपी चेक होगा, और पल्स रेट हाई मेरा आया था, इसलिए आया था कि शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ हो रही है। बाकी देखते हैं पायल का आज कैसे है। तो डॉक्टर ने बोला है इसके कुछ ब्लड टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे डिलीवरी के लिए कभी भी आना पड़ सकता है, तो इसलिए हम लास्ट टाइम इसका ब्लड टेस्ट कराने आए हैं। ब्लड टेस्ट कराने लास्ट, उसके बाद कुछ नहीं पता, डिलीवरी कभी भी हो सकती है। डॉक्टर ने बोला अप्रैल के अंदर, मुझे जो डेट दी है डॉक्टर ने वो उनके हिसाब से एस्टिमेट दी है 13 अप्रैल। मेरा बच्चा देख लेना, देखना कितनी केयर करता है। देखना ये देखो बैग का, मैं आपको एक चीज दिखा रही थी ना, तो ये था, ये मैंने लिया था अपने मेरे लिए इयररिंग्स के लिए, ज्वेलरी बॉक्स लिया था, तो अभी ज्वेलरी बॉक्स कम इरेजर बॉक्स ज्यादा बन गया। तो गाइस बिल्कुल ठीक रिपोर्ट थी, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी अभी डॉक्टर से मिल के आई हूँ मैं। डॉक्टर ने शायद हमारे अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर ने इसलिए ये बोला था क्योंकि हमारी जो डॉक्टर ना वो 3 बजे तक ही बैठती है, तो हम वहाँ पे 2:30 बजे तक थे, तो डॉक्टर ने ये सोचा होगा कि मैडम उठ ना जाए, इसलिए बोला था जाके रिपोर्ट दिखा दो। तो बाकी सब कुछ ठीक आया है। बोलू के जो है कुछ ब्लड टेस्ट लिए, डॉक्टर ने बोला है कि अब कभी भी पेन उठ सकते हैं, कभी भी तुम्हें यहाँ पे आना पड़ सकता है, तो पहले से ना हमारे पास सारी ब्लड की रिपोर्ट होनी चाहिए, तो ब्लड की रिपोर्ट के लिए ब्लड दे दिया है, दवाइयाँ ले ली है सारी, और बस निकल रहे हैं घर के लिए। अब घर जाते हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। आज तो हमारा पूरा दिन कहाँ गया ना गाइस, बिल्कुल पता नहीं लगा। ये लगा लो सुबह मैं 8:30 उठी थी, 8:30 से अभी 4 बज चुके, और 4 बजे तक का टाइम कैसे निकला कुछ भी नहीं पता लगा। स्कूल गए, फिर वहाँ गए, हॉस्पिटल गए, शॉपिंग के लिए गए, फिर वापस हॉस्पिटल के लिए गए, अब जाके घर जा रहे हैं। और सुबह जो ब्रेकफास्ट किया था ना, 2 पूड़ी और चाय, बस वही खाया हुआ, कुछ खाया हुआ। बेटा मैंने आपको तो खाना दिया था ना, आपने खाया नहीं। स्कूल में भी नहीं खाया, मैंने बाहर भी नहीं खाया, अभी जाके खिलाऊंगी। तो गाइस यहाँ पे ना पहन लेना कुर्ती पहन ली, और ये वही कुर्ती है जो हम लोग अभी नई लेकर आए हैं, और गाउन बाउन से अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी कुर्ती लग रही है, क्योंकि गाउन में ना बताया था कि गाउन मैटरनिटी शूट में ही अच्छा लगेगा, तो ये फाइनल है मेरी और पायल की कुर्ती, दोनों की सेम सेम अवार्ड फंक्शन के लिए फाइनल लुक है हमारी। और यहाँ पर ना गाइस हमारा खाना भी आ गया, लस्सी आ गई है, रोटी आ गई है, आलू गोभी की सब्जी आ गई है, बहुत तेज भूख लग रही है। अभी ब्लड टेस्ट करा कर आई हूँ, तो ऐसे चक्कर चक्कर जैसा फील हो रहा है, तो खाना खाती हूँ फिर कोई काम करती हूँ। तो खाना वगैरह हो गया था हमारा, अभी जा रहे हैं ऊपर पौधे देखने, क्योंकि पौधों में पानी चेक करना पड़ेगा अब, क्योंकि गर्मियां बढ़ गई हैं, तो पौधों को पानी डेली चाहिए होगा, तो एक बार देख के आते हैं पौधे और पानी भी डाल के आते हैं। तो बाकी सारे पौधे तो ठीक हैं, जिसमें नमी कम होगी ना, वो सिर्फ उसमें डलेगा, एलोवेरा में डलेगा, और यहाँ पे इस पौधे में डलेगा, इस पौधे में, इस पौधे में, बाकी तो ठीक है सारे पौधे। टमाटर में भी डलेगा, ज्यादा मत करियो, थोड़ा डालियो ऊपर से। अब ये जितना काम हुआ ना, सारा जो काम है ये हम वापस हटवा रहे हैं, क्योंकि ना इन्होंने बहुत ज्यादा पतला पाइप लगाया है, तो हवा देखो अभी इतना हिल रहा है, तो हवा वो आएगी तो सब कुछ नीचे चला जाएगा, और नुकसान होगा, किसी को लगेगी चोट वगैरह कुछ भी तो हमारे ऊपर आएगी। तो हमने ना जो जिससे काम करवा रहे थे ना, उसको अच्छे से बोला था कि हमें माल में कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए कि दिक्कत आए, घर को परेशानी आए, अभी सारा हटके दोबारा माल आएगा, दोबारा बनेगा सारा। यहाँ पे मोमोज डोसा वोसा सब खत्म हो गया है, तो मेरे पास पड़ी है मोमोज की चटनी, के साथ खाऊंगी एक रोटी। पहले मुझे बहुत पसंद थी मोमोज की चटनी के साथ रोटी खाना, और ये मोमोज की चटनी ना मैं बहुत जबरदस्त बनाती थी पहले, मोमोज भी बहुत अच्छे बनाती थी जमाने में, अब मैंने बनाने बंद कर। तो गाइस अभी बज गए रात के 9:30, और क्या बोलते चीकू के पापा स्टूडियो गए हैं, और अभी मंगवाया है मैंने ये मंगवाया मिल्क केक, वैसे मंगवाना था रसगुल्ला भी मंगवाना था, और उस टाइम पे स्किप हो गया, तो ये मिल्क केक मंगवाया, रसगुल्ला कल मंगवा दूंगी। और मिल्क केक क्यों मंगवाया है, क्योंकि ना यहाँ का मिल्क केक बहुत ज्यादा टेस्टी है, अभी चीकू को बहुत पसंद है, और मुझे भी कलाकंद बहुत पसंद है, ज्यादा नहीं खाऊंगी, आधा पीस खा लूंगी, और रसगुल्ले और कलाकंद चीकू के फेवरेट है, सोचा चीकू आज पास हो गया तो इस खुशी में मिठाई खा लेते हैं। तो गाइस मेरी ना आदत है, मैं हमेशा लिपस्टिक ना ऐसे साफ कर देती हूँ हाथ से, ऐसे लग रहा है जैसे ना यहाँ पे मेरे को चोट लगी, बट चोट नहीं लगी, लिपस्टिक का निशान है। तो गाइस मैंने ना सबसे पहले ना जो मिठाई थी वो मैंने मंदिर में रख दी, मंदिर में प्रसाद चढ़ा दी है, और चीकू को दे दिया, चीकू फुल खुश है, फुल खुश हो। कितना फेवरेट है आपका मिल्क केक इस घर में, किस किस का फेवरेट है मिल्क केक? चीकू बिल्कुल गाइस मेरी तरह, सेम मेरी तरह है। तो गाइस मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे को ना बचपन में ना बहुत ज्यादा ना फेवरेट था कोना, मतलब कि मुझे ना मेरा कोना चाहिए होता है, जैसे चीकू का एक कोना ना लाल कलर का, तो ऐसे ही मेरा कोना था, मेरे मम्मा ने ना लाल कलर का कंबल बनाया हुआ था, तो फिर गर्मी आ गई तो मैं रोने लगी कि लाल कलर का मुझे कंबल चाहिए, फिर उन्होंने गर्मियों के लिए अलग से लाल कपड़ा दिया, तो ऐसे ही चीकू है, चीकू जब भी बैठते ना अपने कोने लेके बैठते हैं। तो गाइस यहाँ पे आ गई है रात की चाय, और ना आज चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पायल ने भी चाय नहीं पी, क्योंकि एक टाइम होता है चाय
देने को। आज ना मैं इतने सारे कमेंट्स रीड किए थे पर सब बोल रहे चाय मत पियो से एसिडिटी होती है, तो ये वाली चाय मैं नहीं पी रही क्योंकि जबरदस्ती पीने से ना मन खराब होता है। तो बस अभी खाएंगे खाना और सोएंगे क्योंकि अभी तक डिनर भी नहीं करा है। तो आज के व्लॉग को यही एंड करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक जिन्होंने नंबर वन रिकॉर्ड को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी आके सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जिन्होंने गाना नहीं देखा स्कूल नहीं जाना मैं चीकू वाला वो भी देख लीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना अपना प्यारा प्यारा। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट।